खबर शाहजहांपुर जनपद से, जहां तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा ने बुधवार को विकास खंड निगोही में किसान कल्याण मिशन मेले का उद्घाटन किया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने किसान कल्याण मेले के तहत आयोजित होने वाले प्रदर्शनी और गोष्ठी की प्रासंगिकता एवं रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर टीवी यादव ने कृषि आधारित गतिविधियों व किसान कल्याण मिशन पर विस्तार से जानकारी देते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लाभ बताए। वहीं जिले में नाबार्ड से अधिकारी ने कम लागत में अधिक उत्पाद सहित संगठित खेती करने के संबंध में किसानों को टिप्स दिए। कार्यक्रम में डॉक्टर नूतन वर्मा ने केला, पपीता, स्ट्रॉबेरी, गेंदा की खेती की व्यावसायिक जानकारी देते हुए प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख धनराशि प्राप्त करने के टिप्स दिए तथा उन्नतिशील तरीके से खेती किसानी के गुण बतलाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तिलहर भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और होने के कारण ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। ब्लॉक प्रमुख मनोज कुमार वर्मा ने कहा, किसान गन्ना, गेहूं, धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के भी उत्पादन पर जोर दे। इसके अतिरिक्त विकास खंड निगोही के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्वीकृत पत्र वितरण कर सौगात दी गई। ब्लॉक परिसर लगाई गई प्रदर्शनी में 24 विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर किसान परक योजनाओं की जानकारी दी। इस मेले में कृषि, गन्ना, रेशम, उद्यान, स्वयं सहायता समूह, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, लघु सिंचाई, नलकूप, पंचायती राज, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम्य विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, डीसीबी बैंक, केसीसी सहित अन्य विभागों ने इंस्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के तमाम अधिकारी व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 600 किसान उपस्थित रहे। शाहजहांपुर निगोही से सुनील सक्सेना के साथ राधेश्याम की रिपोर्ट। मदद की जाएगी, पुनः मैं फिर मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन हेतु। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 50 लाभार्थियों का 525 लाभार्थियों को आवास